Hello friends and welcome to the another video of Techie Tech. इस वीडियो में हम बात करेंगे GSM रिपीटर के बारे में और देखेंगे कि वो हमें स्टेबल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कितना हेल्प करता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ जियो फ़ोन है और ये लाइफ का फ़ोन है, दोनों में ही जियो सिम है और यहाँ कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा है, सर्च करने पर भी नहीं मिलता है। तो उसी को दूर करने के लिए हम आज यूज़ करेंगे GSM रिपीटर और GSM रिपीटर को हम अटैच करेंगे अपने ये पुराने एंटीना के साथ। इसे हमने खुद बनाया था, इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये एंटेना बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है लेकिन बीच में कोई भी एम्पलीफायर ना होने की वजह से हमें अपना फ़ोन या रूटर को एक्सियल केबल से बांध के रखना पड़ता है नेटवर्क पाने के लिए। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये GSM रिपीटर ख़रीदा हुआ है। ये 1800 मेगाहर्ट्ज़ का GSM रिपीटर है, इसे मैंने AliExpress से ख़रीदा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये हमारा सिग्नल एम्पलीफायर का काम करेगा जो कि सिग्नल एम्पलीफाई करके हमारे फ़ोन तक पहुँचाएगा, जिससे हमें अपने फ़ोन को एक्सियल केबल से बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रिपीटर के पोर्ट्स थोड़े अलग हैं इसलिए मैंने एक केबल जॉइंटर को ही कट करके थोड़ी सोल्डरिंग करके और फिर ग्लू लगा के इसे यहाँ परमानेंटली फिक्स कर दिया है। आप चाहे तो ये जुगाड़ लगा सकते हैं या फिर आप दोनों ही कनेक्टर ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने दोनों कनेक्टर ऑर्डर किया था पर एक ही प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है इसीलिए मैंने ये जुगाड़ लगाया है। मैं इस कनेक्टर की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप ख़रीद लीजिएगा। मैं ये कनेक्टर वापस से ऑर्डर कर सकता था लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी लंबा डिलीवरी टाइम हो जाता है इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। आप बेझिझक ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा आपको जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा। इस रिपीटर में एक साइड में BTS लिखा हुआ है, इधर आउटडोर एंटीना कनेक्ट होगा और ये दूसरी साइड जिधर मोबाइल लिखा हुआ है उधर हमारा इनडोर एंटीना कनेक्ट होगा और ये बीच में सिग्नल को एम्पलीफाई करके इनडोर एंटीना तक भेजेगा। अगला प्रोडक्ट है हमारा ये इंडोर एंटीना, इसे भी मैंने AliExpress में एक साथ ही ख़रीदा था। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके पीछे से ये केबल निकला हुआ है जिससे कि ये रिपीटर के साथ कनेक्ट हुआ। कुछ इन्फॉर्मेशन से 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़ ये 2 dBi गेन कर सकता है, 1710 से 2500 मेगाहर्ट्ज़ ये 5 dBi तक गेन कर सकता है। इसके साथ जो कनेक्टर अटैच था वो भी नॉर्मल वाला नहीं था, ये मैंने बाद में लगाया हुआ है। पहले वाला कुछ ऐसा था, ये वाला यहाँ पहले से लगाया हुआ था, ये पूरी तरह से फिक्स था। मैंने वायर काटा और फिर ये नॉर्मल DTH वाला कनेक्टर लगा के टेप किया है। अगर आप ये वाला कनेक्टर खरीदते हैं, 3 पीस खरीदिएगा तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको कहीं भी कोई काटना या जुगाड़ बैठाना नहीं पड़ेगा। और फिर हम यूज़ करेंगे कोएक्सियल केबल, आप इसकी लंबाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखिए। इसकी एक एंड हम कनेक्ट करेंगे आउटडोर एंटेना में और दूसरे एंड को कनेक्ट करेंगे हमारे रिपीटर के साथ। यह रिपीटर 5 वोल्ट के चार्जर के साथ आया था। इस रिपीटर में 5 वोल्ट DC के लिए इनपुट पोर्ट भी है, इसी से हम अपने रिपीटर को पावर सप्लाई करेंगे। और इसमें एक छोटी सी LCD स्क्रीन भी है जिसमें कि थोड़े मोड़े बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। चलिए इसे पावर में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पावर कनेक्ट करते ही ये ऑन हो जाता है और सिग्नल बार जो है ब्लिंक कर रहा है, मतलब कोई नेटवर्क नहीं है। पावर ओके है, 12 वोल्ट ओके, 5 वोल्ट ओके, ऊपर में गेन ओके करके दिया हुआ है, मतलब कि सारा कुछ सही है। बस इसमें एंटेना कनेक्ट करना है, उसके बाद ये ब्लिंक करना बंद कर देगा। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं ये प्लाईवुड के टुकड़े को यूज़ कर रहा हूँ ये रिपीटर और इंडोर एंटेना को माउंट करने के लिए, क्योंकि मैं इसे बाद में दीवार पे लगा दूँगा। और ये BTS वाला जो साइड है उसे मैं बाहर की ओर रखूँगा और जो मोबाइल वाला साइड है उसे मैं अंदर की ओर रखूँगा। तो चलिए वीडियो देखिए गाइस, मैं इन्हें तब तक माउंट कर देता हूँ। मैं कुछ और प्लाईवुड के पीसेस को यूज़ करूँगा यहाँ थोड़ा ऊंचा सरफेस बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये इंडोर एंटेना का केबल बेंड हो जाता है तो ये काम नहीं करेगा। थोड़ा मोड़ा बेंड होने पे कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करता है, लेकिन अगर ये 90 डिग्री तक बेंड हो जाता है तो ये काम नहीं करता है।
तो अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, अच्छा ही दिख रहा है। और ये ग्लू गन से मैंने इसे चिपकाया है, उतना मजबूत तो नहीं है लेकिन ये इसमें कोई प्रेशर नहीं डालना है तो ये झेल लेगा। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एंटीना में केबल कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक होल पहले से बनाया हुआ है, हमें इसमें केबल डाल के कनेक्टर को अटैच कर दूंगा और कनेक्टर को कस दूंगा। तो मैंने केबल के एक एंड को आउटडोर एंटेना के साथ अटैच कर दिया है। अब मैं इसे ले जाके बम्बू में बांध के ऊपर उठा दूंगा। मैं ये बम्बू यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो कोई लंबा पोल या ऊंची जगह कहीं पे भी एंटेना को फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने ये एंटेना बांध दिया है। आप इसके वायर को भी यहाँ अच्छे से बांध दिए ताकि ये कभी भी हवा चले या फिर उधर अगर खींचा जाए तो ये निकल ना जाए। तो अब मैंने ये बेम्बू को खड़ा कर दिया है और ये हमारा एंटेना ज़मीन से करीब 20 फीट ऊंचाई पे है। तो अब मुझे केबल के अदर एंड को घर के अंदर ले जाना है। ये मैंने घर के अंदर डाल दिया है केबल, अब अंदर जाके देखते हैं। चलिए, यहाँ मैंने रिपीटर और इंडोर एंटेना को पहले से ही कील से दीवार पे फिक्स कर दिया है। यहाँ देखिए, ये हमारा केबल है जो कि बाहर आउटडोर एंटेना से आ रहा है। जो दूसरा वाला केबल है वो टाटा स्काई वाला केबल है। मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हमें सिर्फ इसे पावर देना है और फिर अपने फ़ोन में नेटवर्क चेक करना है। इसे मैं ऑन कर देता हूँ चार्जर, और चलिए मैं ये DC इनपुट इसमें डाल देता हूँ। इसमें लाइट आ चुकी है और अभी देखिए यहाँ बार जो है ये शो कर रहा है, मतलब कि ये नेटवर्क इसके अंदर आ रहा है। अब चलिए हम अपना फ़ोन चेक करते हैं, फ़ोन में देखते हैं नेटवर्क आया या नहीं। तो यहाँ फ़ोन में नेटवर्क आ चुका है जियो का। यहाँ वोल्टी भी लिखा हुआ आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 बार है, 2 बार से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा इंडोर एंटेना है ये छोटा है। ये बड़ा होता तो ये ज़्यादा स्पेस कवर करता है। इतना छोटा है कि ये सिर्फ एक ही रूम कवर कर सकता है, एक रूम से ज़्यादा ये काम नहीं करेगा। अगर मैं अपने फ़ोन को एंटेना के पास में ले जाऊं, तो यहाँ पे आप देखिए ये बार फुल हो गया नेटवर्क का, मतलब इसका रेंज उतना अच्छा नहीं है, एक रूम में यूज़ करने के लिए काफ़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो नेटवर्क है वो स्टेबल है, वो जा नहीं रहा है। और अगर मैं इस रिपीटर को यहाँ ऑफ़ कर देता हूँ तो ये नेटवर्क चला जाएगा। जब तक रिपीटर ऑन है तब तक सिर्फ यहाँ नेटवर्क आ रहा है। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए ये दोनों फ़ोन में अभी नेटवर्क है। मैं ये रिपीटर बंद कर दूँगा और जैसे मैं रिपीटर बंद करूँगा ये नेटवर्क चला जाएगा, क्योंकि जो नेटवर्क है वो आउटडोर एंटेना से होकर रिपीटर तक आ रहा है। रिपीटर फिर यहाँ एम्पलीफाई करके इनडोर एंटेना में दे रहा है। जैसे मैंने रिपीटर ऑफ़ कर दिया, देखिए अभी तक नेटवर्क गया नहीं है, लेकिन कुछ देर में ये नेटवर्क चला जाएगा। अभी तक नेटवर्क है। कुछ देर वेट करते हैं। जैसे अभी देखिए नेटवर्क चला गया है ये जियो फ़ोन में, और रियलमी वाले फ़ोन में भी देखिए दोनों फ़ोन में नेटवर्क चला गया है। अभी कोई नेटवर्क नहीं है इस फ़ोन में, अभी बार पूरा डाउन हो गया, एक भी नहीं है, और इसमें भी ये ब्लिंक कर रहा है, कोई नेटवर्क नहीं है। अब मैं जैसे ही ये रिपीटर ऑन करूँगा इसमें वापस नेटवर्क आ जाएगा। मैंने रिपीटर ऑन कर दिया और ये देखिए दोनों ही फ़ोन में नेटवर्क आ चुका है।
देखिए इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। अब देखिए एक कॉल करके देखते हैं 198 में कॉल क्वालिटी कैसे है वो चेक करते हैं। ये जियो फ़ोन काफ़ी स्लो है, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। ये देखिए कॉल क्वालिटी बिल्कुल ही सही है, यहाँ आप आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रूम में ही आप कर सकते हैं। यहाँ आप इसे एक रूम में लगा के दूसरे रूम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब चलिए एक दूसरे को ही कॉल करके देखते हैं, ये दोनों फ़ोन में आपस में कॉल कनेक्ट करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं गाइस, ये कॉल कनेक्ट हो चुका है। इस फ़ोन से मैंने डायल किया और इसमें रिंग होना चालू हो गया, और ये काफ़ी सही है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जहाँ पे कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है और इतना भी काम करता है तो वो काफ़ी है। मेरे एरिया में यहाँ नेटवर्क का स्पीड, जो इंटरनेट का स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, इसलिए मैं इंटरनेट का ये चेक नहीं कर रहा हूँ। आपके एरिया में अगर इंटरनेट स्पीड है तो वहाँ स्पीड चलेगा। चलिए अबाउट फ़ोन में जाके मैं आपको सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने नेटवर्क स्टेटस में क्लिक किया अबाउट फ़ोन में, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिग्नल स्ट्रेंथ जैसे -117 dBm था, अभी -119 dBm, -120 dBm, इस तरीके का ये गेन कर रहा है। तो अभी मेरा प्रॉब्लम रह गया है सिर्फ इंटरनेट स्पीड का, उसके लिए भी मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।